जय हिंद, नमो बुद्धाय। साथियों कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का हमारा विषय है, एक मूवी आई है, पठान मूवी आ रही है, उसमें दीपिका पादुकोण एक भगवा रंग की बिकनी पहनी हुई है, जिसके वजह से काफ़ी विवाद हो रहा है कि इस फिल्म का बायकॉट किया जाए और इसको ना देखा जाए, इसको लागू नहीं किया जाए, इसको फिल्म को चलने नहीं दिया जाए। फिल्म अपने जगह पर है, क्या सही है क्या गलत वो सेंसर बोर्ड डिसाइड करेगा। रह गई बात भगवा की, भगवा रंग की, तो भगवा रंग पहनकर बहुत से अक्षय कुमार हैं, मनोज तिवारी हैं और भी बहुत से हीरो हीरोइन हैं जो अपने फिल्मों में गाने गाए हैं, इससे भी अभद्र तरीके से। क्या भगवा रंग से किसी धर्म को खतरे में निशानी है? आज तो इससे पहले तो कभी नहीं दिखा। जब अक्षय कुमार जब हरे राम हरे कृष्णा भूल भुलैया मूवी में जो गाना है उसमें शूटिंग किया है, चाहे मनोज तिवारी बेबी बियर पी के नाचे लगली छम छम छम, उसमें काहे नहीं, कहाँ थे लोग जो भगवा खतरे में। किस तरह से अपने देश में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है लोगों को भ्रमित करने का, खासकर युवाओं को। लोग सोचते हैं जी इस तरह के हम बयानबाजी करेंगे और लोग इसमें आते जाएंगे, और खासकर आ भी रहे हैं और अपने चीज़ों से भटक रहे हैं। हम एक दूसरे से नफरत करने में तुले हुए हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। क्या है ये सब चीज़? अपने देश को तोड़ने का तो काम चल रहा है। किस तरह से लोगों को क्या कहें, जब तक आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं ये लोग जिस तरह के बयानबाजी करते हैं, अपना चाहते हुए भी लोगों से एक दूसरे से नफरत करने लगेगा ये लोग अगर बात सुन ले सही से। तो किस तरह से मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है लोगों को? क्या भगवा रंग का एक चड्डी नहीं होता है? वो चड्डी भी पहनता है, कोई बनियान भी पहनता है। रंग से क्या है? रंग तो ये बुध का रंग था, तुम लोग तो कॉपी पेस्ट कर लिए हो। भगवा रंग तो बुध का प्रतीक है, और वो किसी का वस्त्र चुरा लिए हो, किसी के धर्म का प्रतीक, और अपने आप को कहते हो जो हम भगवा रंग के हैं। भगवा रंग तो बुध का है, तो बुद्धिस्टों को सबसे पहले दिक्कत होनी चाहिए थी, फिर तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं लोगों को, आपस में लड़वाने का काम है और कुछ नहीं रहता है। जितने जो हिंदू धर्म संगठन हैं ये आपस में लड़वाने का काम कर रहा है, लोगों को मानसिक गुलाम बना रहा है, लोगों के माइंड के साथ खेल रहा है। अब आपको सोचना है कि आपको किस दिशा में चलना है। ऐसे लोगों की बात सुनना है जो आपको बरलाने की कोशिश कर रहा है कि अपने माइंड से साथ सोचिए क्या सही है क्या गलत है, और अपने तर्क के हिसाब से किसी भी चीज़ का डिसीजन लीजिए। अगर कोई कह देता है जिससे खतरे में जाता है उससे खतरे में रहता है, कौन सा धर्म है, वैसा धर्म में रहने से क्या फायदा जो हर धर्म हर समय हर चीज़ से खतरे में रहता है, कभी रंग से, किसी का नाम लेने से, बोल देने से खतरे में रहता है। क्या है भाई, मजाक चल रहा है क्या? हाँ, आज तक जो भगवान था जो भी लोग था लोगों को खतरे नहीं महसूस हुआ, आज ये लोग चुतिए लोग को खतरा महसूस हो रहा है। शर्म आनी चाहिए थी अपने देश में इस तरह का माने विवाद फैलाने के लिए। लोग को मानसिक गुलाम बना रहे हो तुम लोग, जिस तरह से तुम सोच रहे हो, पढ़े खासकर पढ़े लिखे युवा लोग इसके बहकावे में आ रहे हैं। उनसे कहते हैं सावधान हो जाइए, जब तक आप लोग इन लोगों के बहकावे में रहेगा आपका विकास नहीं होगा, अपने देश का विकास नहीं होगा, अपने समाज का विकास नहीं होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।